वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है मकर संक्रांति, 15 जनवरी 2023। तो गाइस कुछ ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह मैं उठा, थोड़ा नहाया, उसके बाद पतंग जगाने जा ही रहा था, पर मेरे जो घर गेस्ट आए हैं, मेरे भांजी के जो हस्बैंड हैं, उनकी जो गाड़ी है पीछे पूरी रात हेडलाइट चालू रह गई थी, तो पूरी बैटरी उतर गई, तो सुबह सुबह भागना पड़ा। सब गैरेजेस बंद थे, तो एक तो भाई को एक गैरेज खुला मिला, 3 से 4 गैरेज चेक करने के बाद, तो उनको लेके आए हैं और बैटरी लगा के थोड़ा चार्ज कर रहे हैं और गाड़ी को चालू करने, उसके बाद फेस्टिवल की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं। विदाई कर दिया है, तो 11:32 हुई है, तो मैं अभी जाऊंगा और पतंग उड़ाऊंगा। कल भी बहुत मस्त हवा थी और आज भी मस्त हवा है, तो थोड़ा इस हवा का मजा लिया जाए। चलो तो अभी बहुत ही मस्त पवन चल रहा है और सब अपने अपने टेरेस पे हैं। आज ठंडा मौसम है, एकदम बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, तो पतंग ही पतंग है आसमान में, आप देख सकते हो यहाँ। सुबह सुबह आके ही 2-3 पतंग काट डाली मैंने। अभी यहाँ हमारे फिजियोथेरापिस्ट जो है वो पतंग काटने वाले हैं। अब इस पर एक जोक बोलता हूँ कि एक डॉक्टर ने ना अपना नाम, जो भी वो बाहर क्लिनिक के बाहर जो वो होता है, बॉल होता है जो छोटा था, तो उनका नाम लिखवाने को बोला पेंटर को। तो पेंटर ने क्या किया, उसकी वो जो संधि बोलते हैं हमारे गुजराती में, संधि छूटी पार दी, फिजियो उसके बाद नीचे द लिखा और उसके नीचे रेपिस लग दिया, लिख दिया, तो पूरी संधि छूटी पड़ के हो गई फिजियो द रेपिस, ऐसा हो जाएगा। I got you girl and you got me, diamond rings for you, 1, 2, 3, I'll tell you why, 'cause I got you girl and you got me, you back it up for me, a real home run। अभी खाना खा लिया है, पुलाव बनाया था मम्मी ने, पुलाव और कड़ी भात। दोपहर के बजे है 2 और आ गए 1:57 बजे है, तो आ गए हैं हमारे योगी बाबा। तो ऊपर तो ज़्यादा धूप है, तो हम रेस्ट करेंगे अभी थोड़ा, उसके बाद जाएंगे ऊपर। हाँ, उसके बाद गिरते हैं। A few hours later. Baby, I can never tell you no. I got you, girl, and you got me. Diamond rings for you, 1, 2, 3. I'll tell you why. 'Cause I got you. भाई सामने देखा होगा कितने गेस्ट आए हैं मेरे घर। मैं तो सो रहा था, थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो उसके बाद बाहर निकला और सबने जगाया कि जाग भाई। तो मेरे भाभी और मेरे जीजा और सब बहुत सारे गेस्ट आए हैं घर पर, और उनके लिए नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। फिलहाल टाइम हुआ है 4:30 और मैं धनिया और नींबू लेने आया था, अभी नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद थोड़ी मेहमान गति करेंगे, उसके बाद ऊपर जाऊंगा टेरेस पर। गाइस बजे है 5:30 और सब अपने अपने टेरेस पे आ गए हैं, बहुत ही पब्लिक है, आप देख सकते हो पीछे। ऐसा माहौल है।
उमेश भाई, हाउ आर यू? एडवोकेट, डॉक्टर, यहाँ सभी टाइप के लोग अवेलेबल है। डॉक्टर है, एडवोकेट है, इंजीनियर है। ये है हमारे दूसरे फिजियोथेरापिस्ट। के बजे छः और अभी हो रही है वड़ा पाव पार्टी। आप पीछे व्यू देख सकते हो, बैकग्राउंड में ब्यूटीफुल व्यूज विद ब्यूटीफुल लेडीज। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। इशिता शर्मा इशियर, बूम, बोलो क्या बोलना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो? भाई यहाँ पे नारायण ट्री गेट पर रहती हूँ। हाँ, फिर दूसरा? नहीं बस, आई एम डन गाइस, बस नो फोटो शूट। पवन ज्यादा है, उड़ मत जाना। आई डोंट लाइक फोटोज गाइस। हाँ, पवन ज्यादा है, उड़ मत जाना। हाँ, we'll be right back.
God. चुके हैं और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए होटल गिरनार पे, जो कि यहाँ हाईवे नज़दीक है। ये हमारे भाणेज जमे हैं, मेरी जो नेस है उनके हस्बैंड है, जिसकी सुबह वो बैटरी लो हो गई थी, पूरी रात हेडलाइट चालू रह गई थी गाड़ी की। तो हम साथ में ही टोटल तीन गाड़ियाँ हैं, फुल फैमिली जा रहे हैं। सिस्टर आ नहीं सकती क्योंकि छोटा टहणी जो आपने देखा है मीसू, वो परेशान करता रहता है। अभी तो 3 महीने का भी नहीं हुआ पूरा, इसीलिए उनका पार्सल पैक करवा लेंगे और दूसरे रेस्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू होटल गिरनार। तो चलो मिलते हैं। चुके हैं गिरनार होटल पे।
है, आप देख सकते हो इस टाइप का व्यू है। वेटिंग ही वेटिंग है, कार ही कार है। और यहाँ से एंट्रेंस गेट है सामने, देख सकते हो इस टाइप का होटल है। तो चलो सामने चलते अंदर। तो कुछ इस टाइप का है ये होटल, ये है वेटिंग एरिया। टोटल 1 आवर का वेटिंग है। यहाँ ही हम खाने वाले हैं, आप देख सकते हो। चलो खाने के बाद मिलते हैं भाई गाइस। तो गाइस होटल गिरनार पे खाना खा लिया है मैंने, और खाना बहुत ही अच्छा था। लास्ट टाइम जब मैं मेरे दोस्तों के साथ होटल दावत पे आया था, तो जो खाने का टेस्ट था ना वो बहुत ही अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी, तो इसी के कारण रस बहुत था, इसीलिए खाना अच्छा नहीं बना। तो गाइस 10:40 हो चुकी है और दिन ख़त्म हो चुका, त्यौहार ख़त्म हो चुका। सबसे फेवरेट जो लोगों का त्यौहार है वो यही है मकर संक्रांति, ये ख़त्म हो चुका है। और सच्ची में कहूँ तो आई डिडंट सेलिब्रेटेड दैट मच दैट आई सेलिब्रेटेड माई ऑल अदर रेस्ट ऑफ मास्ट ऑल फेस्टिवल्स, मकर संक्रांति फेस्टिवल। एक्चुअली ये जो फेस्टिवल है वो ऐसे ही यहाँ से जो सेलिब्रेट करना चाहिए ना वो नहीं किया है। इवन आई ऑल्सो वॉजन सेलिब्रेट माई बर्थडे दिस ईयर बर्थडे, आपने देखा ही होगा मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरी बर्थडे ऐसे ही चली गई। पता नहीं ये साल की जो शुरुआत है वही सबसे ख़राब हुई है। आई होप सो कि ये साल मेरा अच्छा सुधर जाए। अभी मैं हंस रहा हूँ पर पता नहीं, हंसना तो पड़ता है। किसी ने सिखाया है कि एवरीथिंग विल बी फेयर, इवन क्या ओवर थिंकिंग नहीं करने का, और सब एवरीथिंग विल बी फाइन एंड नेवर पोस्टपोंड जॉय। जो भी पल है उसको जी लो, बस वो कल हो ना हो। तो गाइज अभी हम घर जा रहे हैं, और एज यूजुअल हमारी लाइफ में कल से कुछ नहीं होगा, जो भी है वो रेगुलर हो जाएगा। सबको पता ही है कि जब फेस्टिवल ख़त्म होता है उसके दूसरे दिन सब कैसा फील करते हैं, ऐसे कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है, सबको ऐसा ही लगता है। ऑलवेज ऑलमोस्ट 80-90% पीपल आर फीलिंग लाइक दिस, कि जब भी फेस्टिवल ख़त्म होता है तो कुछ सुना सुना सा लगता है। अब ऐसा मेरे को भी लगता है, और मेरा तो फेस्टिवल ही अच्छा नहीं गया, तो और एडजस्ट होने में लाइफ में थोड़ा समय लगेगा, पर आई होप सो एवरीथिंग विल बी फाइन। तो इसी के साथ गाइस ये ब्लॉग का एंड करते हैं और सो जाते हैं। घर जाके नींद आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। तो चलो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए एंड मेरे